वेलकम टू बांग्ला कृषि खमार। जैसे आप लोग जानते हैं, हम लोग मछली का सीडो का कारोबार करते हैं, साथ में फिश फार्मर भी है हम। आज जो विषय के ऊपर चर्चा करेंगे वो है जो नया, एकदम बिल्कुल नया है, जो नया युवा हम लोग फिश फार्मिंग शुरुआत करना चाहते हैं, उसको स्टेप क्या क्या होना चाहिए। देखिए, वैसे तो कोई सोशल मीडिया का वीडियो के ऊपर डिपेंड करके आप फिश फार्मिंग आप शुरुआत नहीं कर सकते, इसीलिए आपको प्रैक्टिकल एक ट्रेनिंग का जरूरत है, जो आपको आसपास जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां पर मिल जाएगा आपको। वो ट्रेनिंग आपको लेना बहुत जरूरी है। और आज हम थोड़ा सा एक आपको आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि आप लोग बार बार फोन करके मेरे को बोल रहे हैं, सर या दादा मेरे को फिश फार्मिंग शुरू करना है, क्या करना पड़ेगा। तो हम कुछ स्टेप आपको बता सकते हैं, जो स्टेप के दौरान आप अगर आगे जाएंगे तो आपको जरूर प्रॉफिटेबिलिटी होगा। आज वही लिए हम बात करेंगे उन नया युवा के लिए, जो एकदम नया है, शुरुआत नहीं किया, शुरुआत करना चाहते हैं, सिर्फ उसके लिए है। ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूं स्टेप वन। इसमें पहले आता है बजट। यहां पर आपको छोटा लगेगा शायद, क्योंकि जगह नहीं है ना। एक लिख देते हैं। तो स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, ऐसे मेरा ख्याल से मैं मेरा हिसाब से एक आपको स्टेप करके आपको एक आइडिया देने का कोशिश करूंगा। पहले है स्टेप वन में मैं बजट। बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ लोग होता है जिसका पॉकेट यानी कि बजट मान लीजिए 10 लाख है, तो शुरुआत में 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर सकता है और वो करना भी चाहते हैं, डिटरमाइंड है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे फोन कॉल और मेरा ऑफिस में भी आता है ऐसे कुछ। तो मैं ऐसे जो न्यू कमर है बोलना चाहता हूं, आपके पास अगर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, आप उसमें 50% इन्वेस्टमेंट करिए। और पहले हम देख लेते हैं क्या मेरे को लोकल में देखा जाए तो मान लीजिए वहां पर कैटफिश का हाई रेट है, तो पहले से ही हम लोग क्या टारगेट लेते हैं, जे हम पहले से ही हाई वैल्यू फिशेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ये मैं मेरे को टारगेट रहता है, जो मैं फिश फार्मिंग शुरू करूंगा और हाई वैल्यू फिश से शुरू करूंगा, ये मत करिए। क्योंकि आप एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास अगर एक्सपीरियंस बंदा नहीं है, कोई आपको आसपास का आदमी जो है वो अगर एक्सपीरियंस नहीं है, आपको हेल्प करने वाला नहीं है, तो मत करिए। जो लो वैल्यू फिश है, लो वैल्यू फिश में देखा जाए तो उसको मेंटेन करने का थोड़ा सा खर्चे भी कम लगता है और उसको मान लीजिए पालने का झंझट भी कम होता है। तो इसीलिए आपको मैं सलाह दे सकता हूं, आपके पास अगर बजट है तो बजट का 50% कम में आप शुरुआत करिए। और इसमें प्रॉफिट और लॉस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके ऊपर मैं एक इंडिविजुअल वीडियो बना चुका हूं, इसलिए हम इंडिविजुअल पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाते हैं, क्योंकि आप अगर एक साथ जोड़ के देखेंगे तो आपको एक सर्कल थोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो बहुत पार्ट अभी बाकी है, धीरे धीरे अपलोड होगा, लेकिन हम एक सर्कल कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे हैं जो पार्ट बाय पार्ट देखे। तो बजट बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। आपको बजट पहले आपका जो पॉकेट सबमिट कर रहा है, आपका जो बजट पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हो, उसका 50% कम आप बजट मतलब करिए। ठीक है, दूसरी बात है सिलेक्शन ऑफ पॉन्ड। पॉन्ड आपको ऐसे सिलेक्शन करना पड़ेगा जहां पर फ्लैट नहीं आता, जहां पर पॉन्ड का साइड में वल आप बहुत अच्छे से दे सकते हो, और जिस जगह में क्या होता है, हम लोग पॉन्ड तो ड्रेगिंग करते हैं, दूसरी बात हम ड्रेगिंग लिखा है इसे पॉन्ड खुदवाना, तो पॉन्ड तो हम खुदवा लेते हैं, लेकिन क्या होता है मिट्टी का बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो अगर मैं 4 फुट 5 फुट का ड्रैगिंग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर देखते हैं जी हाँ ठीक है मिट्टी ठीक है, लेकिन उसके भी 6 फीट 7 फीट के गहराई में हो सकता है मिट्टी खराब है, इसलिए पानी आपको पॉन्ड में सस्टेन नहीं रह सकता है। तो पानी सस्टेन रहना यानी कि बहुत जरूरी है, आप वो पानी का जांच मिट्टी का जांच करिए, क्योंकि मिट्टी के ऊपर ही डिपेंड करेगा, मिट्टी के क्वालिटी के ऊपर। तो गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे जगह में मिट्टी का जांच होता है, फ्री में ही होता है बहुत सारी जगह में, तो आप वो उठा के लेके जाइए, जो वहां पर
पानी उसको सस्टेन करने का वो पॉन्ड का क्षमता है या नहीं है, ये आपको पहले देखना है। इसलिए पॉन्ड हम जब सिलेक्शन करेंगे उसके ऊपर ही डिपेंड करके हम करेंगे, मिट्टी का जांच करके हम नया पॉन्ड खुदवाएंगे। और नया पॉन्ड हमको कैसे खुदाना है, नया पॉन्ड जैसे हम IMC करेंगे तो मिनिमम मेरे को 2-3 एकड़ का पॉन्ड लगेगा, इसमें मछली अच्छे से खेलेगा। और हम लोग वही सिलेक्शन करेंगे 2-3 एकड़ का पॉन्ड, अगर हमको कैटफिश करना है तो आधा एकड़ से भी हम लोग कैटफिश का शुरुआत कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको जगह का हिसाब से, आप अगर नया फार्मर हो तो आप उस जगह के हिसाब से, मान लीजिए 1 एकड़ का पॉन्ड लेके आप शुरू किया, 3.5 से 4 फीट आप पानी रखा और बहुत अच्छे से आपको फार्मिंग होगा। गर्मी के टाइम में थोड़ा सा पानी आप भरा सकते हैं, लेकिन 3.5 से 4 फीट पानी हम लोग आइडियल मंथ है 1 एकड़ पॉन्ड के लिए। पॉन्ड अगर बड़ा हो तो उसमें गहराई थोड़ा बढ़ा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए पॉन्ड सिलेक्शन जब भी हम करेंगे, पॉन्ड का साइड में हम वॉल से लेके पानी का जो सस्टेन रहने का क्षमता होता है मिट्टी का, तो मिट्टी का जांच हम जरूर कराएंगे। ठीक है, तो खुदवाने से पहले हम मिट्टी का जांच कराएंगे, पॉन्ड सिलेक्शन करेंगे। जो बाहर का कोई मतलब जहां पर हम पॉन्ड लेंगे साइड में वॉल बनाने की जगह है क्या नहीं, क्योंकि बाहर का गंदा पानी आ सकता है, वो पानी में ऐसे कुछ मछली हो सकता है जैसे सोल जैसा मछली जो आपको मछली का नुकसान पहुंच सकता है, और फ्रॉग जैसे इनके मेढक जैसा बहुत कुछ हो सकता है जो आपको स्पॉन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसीलिए हम जब भी पॉन्ड खोदेंगे हम साइड में जगह रखेंगे और जगह ऊंचू जैसा बनाएंगे। इसीलिए सिलेक्शन ऑफ पॉन्ड और पॉन्ड ड्रैगिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और 4 में हम लिखा है पॉन्ड प्रिपरेशन। पॉन्ड प्रिपरेशन में मेरा एक वीडियो है पॉन्ड प्रिपरेशन के ऊपर, पॉन्ड प्रिपरेशन में मैंने इस सब कुछ बताया है, आप उसका लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। पॉन्ड प्रिपरेशन में आपको पॉन्ड को अच्छे से प्रिपेयर करना है, कैसे करना है हम डिटेल्स बता चुका है ऑलरेडी, आप देख लीजिए उसके इंडिविजुअल सिर्फ उसके ऊपर वीडियो है। तो पॉन्ड प्रिपरेशन हम अच्छे से करेंगे, पॉन्ड प्रिपरेशन ही हमारा आगे लेके जाएंगे, क्योंकि पॉन्ड प्रिपरेशन को खराब हुआ तो आगे हमारा जो हार्वेस्टिंग हम लेंगे वो अच्छे से नहीं होगा। इसीलिए हम लोग ज्यादातर देखते हैं, हाँ सामने पॉन्ड मिला तो यहां पर ही शुरू कर दिया, कुछ प्रिपेयर वगैरह नहीं है, लाखों रुपए के ऊपर वहां पर इन्वेस्ट कर दिया, बस हो गया सब खत्म। उसके ऊपर बाहर आके जब हम फेलियर हुआ, कुछ बोला नहीं मछली फार्मिंग तो प्रॉफिटेबल नहीं है, मेरा तो बहुत नुकसान है, बहुत भाई बहुत उसको परेशानी रहता है हम। तो आज हम ये मोटिवेशन वीडियो इसीलिए बना रहे जो आप जो डिमोटिवेट ना हो जाओ। तो डिमोटिवेट अगर आप ये सब पहले से मेंटेन कर लिया होता तो आप डिमोटिवेट होने का कोई चांस ही नहीं है, आपको आप मछली फार्मिंग में प्रॉफिटेबिलिटी 100% जाएगा। इसलिए पॉन्ड प्रिपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो पॉन्ड प्रिपरेशन आप अच्छे से करिए। तो ये हो गया स्टेप 1। अभी स्टेप 2 में हम लिखा है सीड स्टॉकिंग। ज्यादातर लोग हम लोग क्या करते हैं, जो सीड का स्टॉकिंग जब हम करते हैं तो अभी पॉन्ड को हम चेक नहीं करते। अभी देखिए जैसे कैटफिश जैसे मछली है, ठीक है, तो इसमें कुछ मछली है जो गांव में छिलका नहीं होता, उसमें क्या होता है जो प्रोटोजोआ है ऐसे कुछ चीज उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं, तो हमको तो पता नहीं पॉन्ड का जो पानी का जो क्वालिटी है वो एक्चुअली डिसइंफेक्ट है कि डिसइंफेक्ट करना कर सकते हो आप। ठीक है, अगर आप लाइमिंग से लेके बहुत सारे मतलब पॉन्ड प्रिपरेशन में लाइमिंग से लेके बहुत कुछ किया है, देखिए पहले सो क्या होता है स्टीज स्टॉकिंग में क्या होता था, जो नियर बाय आपको हैचरी है वहां से आप अगर आपके आसपास कोई नियर बाय हैचरी हो तो आप एक छोटा सा हम ये दे देते हैं आपको, आप वहां से 20-25 सीड लेके आपको पानी में वो जो पॉन्ड में आप कर रहे हो पॉन्ड का पानी में लेके आप देख सकते हो। ठीक है, जो इसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह आपने नहीं, लेकिन ये फैसिलिटी हर जगह पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर जगह हैचरी नहीं है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए हम लोग जो सी स्टॉकिंग करेंगे हम पानी का एक जांच करेंगे, नहीं तो हम डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा, आयोडीन सैनिटाइजर या कोई भी सैनिटाइजर देके आप पानी का डिसइंफेक्ट कर सकते हो, इसमें मछली का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ऐसे कुछ प्रोटोजोआ वगैरह अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आप लगा सकते हो। और जो लोग घर का बनाया खाना और नेचुरल फीड यानी कि प्लांकटन के ऊपर डिपेंड करके मछली फार्मिंग करना चाहते, उसके पास प्लांकटन बना ले के लिए एक्स्ट्रा सप्लीमेंट डालने का उसका बजट नहीं है, बजट नहीं सबमिट करते, वो नेचुरल फीड के ऊपर जो डिपेंड करते घर का फीड और नेचुरल फीड के ऊपर यानी कि प्लांकटन के ऊपर, वो पॉन्ड प्रिपरेशन में जो हम फर्टिलाइजर दिए थे
और हर महीनों के 15-20 दिन के अंदर हम जो फर्टिलाइजर देंगे वहां से ही हमको नेचुरल फीड ठीक तरीके से रहेगा, यानी कि प्लांकटन सस्टेन रहेगा। प्लांकटन ज्यादा हो गया, ब्लूम हो गया तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए वो ठीक तरीके से आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मेजर जो हम बताया है वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का मेजर वही हिसाब से आप चलाइए, यानी कि नेचुरल फीड हमको देखना है। सेस्किडिक्स बोल के एक मेथड है, वो आप जानते हो तो वो ही लगा सकते हो, नहीं तो गमछा देके आप देख सकते हो आपका प्लांकटन वहां पर हुआ क्या नहीं, पानी का कलर देख के पता चल जाता है, या नहीं तो फोटो उठा के कोई भी आप फिशरी कंसल्टेंट को दिखाइए, वो बोल देंगे हाँ तुम्हारा पॉन्ड में ये है, प्लांकटन ठीक तरीके से है। तो हम प्लांकटन के ऊपर डिपेंड करके और घर का बना खाना के ऊपर जो डिपेंड करके मछली फार्मिंग कर रहे हैं उसके लिए नेचुरल फीड पानी में हो रहा है क्या नहीं चेक करना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद हम लोग सीड सिलेक्शन करते हैं। सीड सिलेक्शन में बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि मैं देखता हूं जहां पर पानी घुला है, ठीक है, पानी वहां पर घुला ही रहेगा क्योंकि मिट्टी उसमें अच्छा नहीं है, और वो लोग कार्प जैसा मछली या कॉमन कार्प पालन कर रहे हैं, ये गलत है, ठीक है ना। वहां पर कॉमन कार्प करेंगे ज्यादा परिमाण से कम कर सकते हो, लेकिन हम देख रहे हैं हाई डेंसिटी में वहां पर कॉमन कार्प चला गया और कॉमन कार्प करके पानी सस्टेन वही रहेगा लास्ट तक, तो ये मत करिए, ठीक है। तो सीड सिलेक्शन हमारा बहुत जरूरी है। दूसरी बात क्या है, मैं देखता हूं कुछ लोग ऐसे कुछ कैलकुलेशन लगाते हैं, मान लीजिए पंगास के साथ सिंगी देंगे और नहीं तो कवाई के साथ पापड़ देंगे, क्यों मतलब इतना दिमाग में क्यों आ रहा है मेरे को पता नहीं, ये एक धीर में जाता है एक फास्ट चलता है, तो ये दोनों क्रैश लगा के आप कैसे करेंगे ये मेरे को पता नहीं। और कुछ लोग ये भी देखते हैं पंगास के साथ आईएमसी, तो मैंने हमारा जो किसान डिजिटल स्कूल है उसमें बहुत सारे आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चन मेरे को मिल रहा है, जो हम इतना मतलब जो भी फार्मिंग हम करेंगे मिक्स फार्मिंग के भी हम लोगों के पास, अगर आप आईएमसी जैसा फार्मिंग करेंगे तो आईएमसी के ऊपर ही आप मिक्स कल्चर करिए, मोनो कल्चर सिंगल कल्चर करना है तो आप कैटफिश जैसा मछली करिए, उसमें आप क्यों लगा रहे हो इस मछली आईएमसी में क्यों दे रहे हो, उसमें करो तो सिंगल करो ना, मेरे को पता नहीं ये आप लोग क्यों करते हैं। तो अगर आपको मिक्स्ड आईएमसी करना है तो मिक्स करके आईएमसी करिए, अगर आपको कैटफिश जैसा मछली करना है तो कैटफिश जैसा मछली सिंगल फार्मिंग करिए, ऐसे मिक्स मत करिए, कैटफिश कुछ लिया कुछ आईएमसी लिया सब मिक्स करके डाल दिया, पता नहीं है कौन सी कंसल्टेंट और कौन सी आदमी ऐसे आपको मतलब सलाह देते हैं मेरे को पता नहीं, आप ऐसे मत करिए। पहले शुरुआत में आप सिंगल एक मछली लीजिए, जो मछली का लोकल में मोटा मोटी डिमांड हो वो मछली से आप शुरुआत करिए। इसलिए सीड सिलेक्शन यानी कि सीड सिलेक्शन बहुत ही एक जरूरी है, आप ऐसे मछली पहले लीजिए जो कॉस्टली कम हो, हाँ कॉस्टली कम मछली मतलब आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगा, लेकिन आपको ये देखना है आप पहली बार एक फार्मिंग कर रहे हो इसलिए हो सकता है आपको प्रॉफिट कम आए, लेकिन आप डिमोटिवेट नहीं हो जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा लॉस भी नहीं होगा, आपको प्रॉफिट कम होगा क्योंकि लॉस नहीं होगा, इसलिए इतना मिक्स मत करिए। कोई दिमाग में आया पंगास रूपचादार सिंगी, क्यों मेरे को नहीं पता, आप एक एग्जांपल देख के बताइए ये क्यों करना चाहते हैं, आपको प्राइम टारगेट कौन है, तो प्राइम टारगेट के ऊपर कंसंट्रेट करो ना, तो ये मत करिए, ठीक है ना, सिंगल कल्चर करिए, अगर मिक्स कल्चर में करना है तो आईएमसी के ऊपर जाइए, ठीक है, नहीं तो ये करिए। हाँ ये कर सकते हो, हम पंगास दिया है बहुत सारे नीच में, मेरे को मिट्टी ठीक पॉन्ड के एनवायरमेंट ठीक लगे, कुछ कार्प जैसा मछली दिया है कॉमन कार्प वगैरह या कुछ ग्रास कार्प वगैरह छोड़ दिया, लेकिन वो मेरा टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट है प्राइम कुछ एक ही रहेगा, ठीक है। तो मेरा ख्याल से आप ऐसे करेंगे तो पॉन्ड का एनवायरमेंट ठीक रहेगा, मछली का प्रॉब्लम नहीं आएगा। फोर्थ नंबर लिखा है स्टॉकिंग डेंसिटी, हाँ ये भाई तो बहुत गड़बड़ है, बहुत ही गड़बड़ है, मेरे पास पॉन्ड है तो जितना हो सके हम उसमें मछली डाल देते हैं, जितना हो सके, कुछ कुछ जगह में हमने ये भी देखा है 1 एकड़ में 1 लाख देसी मागुर दे दिया है, पता नहीं वो कैसे मेंटेन करेंगे। तो आप ऐसे मत करिए भाई, मैं हाई डेंसिटी के बार बार अगेंस्ट हूं, क्योंकि इसमें आपको अगर 5-10 साल का एक्सपीरियंस है तो फिर ठीक है, ऐसे नया न्यू कमर मत करिए, इसमें आपको
प्रॉफिट क्या आपको इतना लॉस आएगा फ्यूचर में आपको अंदाजा भी नहीं है, ठीक है ना। तो मैं ये विनती करता हूं हाई डेंसिटी का दिमाग से हटा दीजिए। फिश फार्मिंग कोई मैजिक नहीं है जो आपको लाखों लाखों रुपया दे देंगे पहले साल में, ये मत करिए। तो हाई डेंसिटी कुछ जगह में देखा, हाँ हाई डेंसिटी में लाखों रुपया वो लोग कमा रहे, पहले तो है उसके इंटेंशन देखिए, और नहीं तो उसके पास जाके सुनिए कि भाई साहब आप कितना दिन से फार्मिंग कर रहे हो। अगर वो सच्चा आदमी हो तो बोलेंगे हाँ भाई मैं तो 10-15 साल हो गया मेरे को, तो हाँ वो एक्सपीरियंस बंदा है, उसको पता है हाउ टू मेंटेन। लेकिन आप नया हो, आप इसका एडवर्टाइजमेंट के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? मछली फार्मिंग कोई मैन्युफैक्चरिंग मशीन नहीं है भाई साहब, अब मत करिए। तो स्टॉकिंग डेंसिटी आपको ठीक रखना है। थर्ड स्टेप में हमने लिखा है जब भी मछली का स्टॉकिंग अगर हो गया तो आपको हर 15 से 20 दिन में लाइमिंग यानी कि चूना देना है पानी ठीक रखने के लिए। जिसके पास बजट सबमिट करेंगे वो जियोलाइट देंगे, और जिसका बजट नहीं है वो लाइमिंग करेंगे ठंडी करके, मतलब पानी में डूब के ठंडी करके उसके बाद आपको लाइमिंग करना है रेगुलर, मतलब 15-20 दिन के महीनों में एक बार आप करेंगे। फर्टिलाइजर वही जो लोग नेचुरल फीड के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और घर का खाना के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं उसके लिए इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको हर 7 दिन ना हो 15 दिन यानी कि महीने में 2 बार आप दीजिएगा। इसमें आपको प्लांकटन सस्टेन रहे, अगर प्लांकटन आपको ज्यादा दिखा तो ये स्टॉप करके रखिए, महीनों में एक बार दीजिए। अगर ज्यादा ग्रीनिश हो गया यानी कि ब्लूम जैसा हो रहा है तो आप इसको महीनों में एक बार दीजिए। प्रॉपर फीडिंग के बारे में मैं बता चुका हूं, क्योंकि बहुत सारे फिश का हम बता चुके हैं ऑलरेडी, वीडियो है कितना बॉडी वेट में कितना देना है। प्रॉपर फीडिंग मेंटेन करिए, ओवर फीडिंग करेंगे पॉन्ड में प्रॉब्लम होगा, ओवर फीडिंग करेंगे खर्चा ज्यादा होगा, मछली नहीं खाएगा, मछली का प्रॉब्लम आके पानी का प्रॉब्लम आके सब सत्यानाश, ठीक है। ओवर फीडिंग और ऐसे भी होता है फीडिंग में, कुछ आदमी मैंने देखा है 2-3 दिन पहले एक बार फीडिंग था, 2-3 दिन के बाद ऐसे फीडिंग था। कुछ आदमी तो फीडिंग ही नहीं देते, आईएमसी देखिए केजी छोड़ दिया, कुछ हफ्ता में एक बार आया कुछ आटा दे दिया, और उसको कैलकुलेट करने बैठा जी हाँ मेरे को तो इतना लाख मेरे को उठाना है यहां से, सिर्फ सरसों का खोल दे दिया, मत करिए। मैंने इसलिए इंडिविजुअल एफसीआर से लेके और खाना के ऊपर इंडिविजुअल वीडियो इसलिए बनाते हैं, तो वो मेंटेन करके रखिए। पॉन्ड का एनवायरमेंट मेंटेन करने के लिए बहुत, अगर पॉन्ड में कोई प्रॉब्लम हो तो पानी थोड़ा एक्सचेंज करिए। अगर लाइमिंग अगर आप ठीक कर लिया होता महीनों के जो हम बताए हैं तो आपको पॉन्ड एनवायरमेंट जरूर ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना। और फर्टिलाइजर थोड़ा सा ठीक करके रखिए, फर्टिलाइजर दीजिएगा कोई प्रॉब्लम मेरा ख्याल से ज्यादा ठीक आएगा। अच्छा, लास्ट हमने बताया है फिश वेट चेकिंग, हर महीनों में आप महीनों क्या 2 महीनों के अंदर आप एक बार नेटिंग करके फिश का वेट देखिए, ठीक तक ग्रोथ जा रहा है क्या नहीं, या डिजीज का कोई प्रॉब्लम है क्या ये भी देखिए, ये भी देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। वेट अगर आपको एक्सपेक्टेड वेट रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो देखना पड़ेगा पॉन्ड का कोई प्रॉब्लम है, खाना क्यों नहीं ले रहे, डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। मैं आज ये छोटा सा ये मैं कोशिश किया आपको ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन शेयर करने का, शायद ये आपको काम आए। अगर मेरा यहाँ से कुछ पॉइंट मिसिंग हो गया हो तो आप बता सकते हो, मैं उस पॉइंट के हिसाब से भी आपको बताने का कोशिश करूंगा। लेकिन मेरा ख्याल से अगर ये आप कर पाएंगे तो मेरा ख्याल से आपको प्रॉफिटेबिलिटी 100% होना चाहिए, ठीक है ना, यही उम्मीद रखता हूं मैं। क्योंकि इससे अलावा ये अगर मेंटेन कर पाएंगे ना हम, जैसे पॉन्ड का एनवायरमेंट ठीक रखने का जैसे हम बताया है, बाहर का पानी नहीं आना चाहिए ये देखना पड़ेगा, थोड़ा सा नेटिंग कर दीजिए अगर बहुत सारे मेढक का प्रॉब्लम हो तो ये सब देखना पड़ेगा। लाइमिंग ठीक तरीके से करिए, सस्टेन रखने के लिए फर्टिलाइजर ठीक तरीके से करिए, मेरा ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, अब आप आगे भी बढ़ पाएंगे। बांग्ला कृषि खामार के यूट्यूब चैनल अगर आपको अच्छे लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, धन्यवाद।